हेलो गाइस मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूं कई सालों से मैं डिजिटल आर्ट करता आ रहा हूं और इस चैनल पर हमने जो वीडियोस बनाए हैं उस उसपे लगभग 266 हंड्रेड मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आए हैं एक चीज जो मुझे लोग अक्सर कहते हैं वो है कि आप बड़े क्रिएटिव हो क्या मैं सच में क्रिएटिव हूं इसी चीज के बारे में मैं समझना चाह रहा था और क्रिएटिविटी के प्रोसेस के बारे में रिसेंटली मैंने आई एम नागपुर में भी एक गेस्ट लेक्चर दिया आपको इस वीडियो में कुछ छह चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिससे की आपके दिमाग की जो आइडियाज का डोर है वो खुल जाएगा और आइडियाज एक बाढ़ की तरफ

हो सके तो मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल दी एंड हम कुछ छह पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले दो जो हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल हैं लेकिन मैं उनके बारे में अभी नहीं बाद में बताऊंगा तीसरे पॉइंट पर आते हैं क्रिएटिविटी शुड ऑलवेज हैव कंस्ट्रेंट्स यस एब्सोल्युटली द ऑपोजिट ऑफ दिमाग खोल के सोचो नहीं आपको दिमाग खोलकर नहीं सोचना है आपको थिंकिंग पर बैरियर्स लगानी है जब भी आपके क्रिएटिविटी पे constraints होंगी द राइट अमाउंट ऑफ कंस्टेंट कैन मेक यू वेरी वेरी क्रिएटिव इसका क्या मतलब हुआ मार्क शार्टनर एक आर्टिस्ट है जो अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक डॉग और एक रेबिट की कैरेक्टर्स बनाते हैं वो स्कल्पचर बनाते हैं पेंटिंग्स बनाते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं बट वो लिमिट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी को इन दोनों कैरेक्टर्स पर ही दिस इज गिवन हिम अ मैसिव सक्सेस अगर मेरे में आप बात करो तो पिछले डेढ़ साल से मैं पेपे पेपे बना रहा था जब मैंने शुरुआत की तो पेपे को एक कैरेक्टर बनाता था दूसरी कैरेक्टर बनाता था और जैसे जैसे मैं और इलेबोरेट पेंटिंग्स बनाने लगा तो उनमें मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस जैसे की मूवीज जैसे की सुपर हीरो सारी चीजें भी आने लगी यानी कि जब मैंने रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट लगाई अपने क्रिएटिविटी पर तब जाकर मैं आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप ही सोचने लगा इट इज काउंटर इंटिवटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको गार्ड रेल्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं अपने माइंड पर yeah. हो सकता है आप फ्लावर्स ड्रॉ करना चाहें कार्टून कैरेक्टर्स बनाना चाहें आप सीनरीज बनाना चाहें बट गो द डिस्टेंस एंड डू दैट फॉर लॉन्ग इनफ द एग्जैक्ट सेम थिंग सो दैट यू आर एबल टू सी मोर एंड मोर यूनिक थिंग्स कमिंग आउट ऑफ योर क्रिएटिव प्रोसेस द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेज कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि आप अपनी कंस्टेंट्स के अंदर भी एक वेरिड पॉइंट ऑफ व्यू लेकर मूव करें और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जैसे कि आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते जाओ और अल्टीमेटली एक पॉइंट पर पहुंचो अगर एक बहुत बड़ा इक्वेशन है उसको रिड्यूस करते जाते हैं फाइनली एक आंसर मिलता है ट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इज नॉट गुड फॉर क्रिएटिविटी इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्रिएट लाइक वेरी सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस एंड वो क्रिएटिविटी को फॉस्टर नहीं करते वाई बिकॉज अगर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं तो उसमें लॉजिक और रीजन को आपको सस्पेंड करना पड़ता है इसका मतलब है मान लो कि अगर हमें लाइफ ढूंढना है किसी और पे हमें पता लगाना है कि क्या प्लान अर्थ को छोड़कर हम किसी और प्लान पर जी सकते हैं तो क्या इसके लिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम एक बड़े से स्पेसशिप बनाकर उसमें ले जाकर दूसरी प्लान पर पहुंच सकते हैं अगर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि पूरी पॉपुलेशन को चढ़ाने के लिए ऐसा कोई स्पेसशिप बनाएंगे कैसे इसका मतलब है आप रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर आइडिया को स्ट्राइक डाउन कर रहे हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होता है जिसमें आप रीजन को सस्पेंड करते हो हो और ऐसे सोचते हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एंड फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज़ पर फोकस करना है एंड वेरीड कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करनी है इन अ लैटरल वे जब आप ये करेंगे उसके बाद आएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसमें आप इन सारी चीजों को असिमुलेट करेंगे एंड सोचेंगे अच्छा ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते एंड फाइनली दैट थिंग दैट यू वांट टू डू इसी चीज को हाइपर फोकस इस बुक में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है स्कैटर फोकस फोकस हाइपर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन इनपुट इतने सारे ले रहे हैं जो की बहुत वेरिड फील्ड से है उसके बाद आप कन्वर्ज करेंगे या फिर हाइपर फोकस करेंगे एक चीज पर एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट क्रिएट दरमेंट फॉर क्रिएटिविटी जो आप स्पेस में ऑपरेट करते हैं आपका डेस्क जहां पर भी आप क्रिएटिविटी में इंडल्ज करना चाहते हैं उस जगह को और ऐसा बनाइए जिसकी वजह से आप आसानी से क्रिएटिव चीजें कर सकें जैसे कि अगर मैं अपनी वर्क स्टेशन को देख लू वहां पर मेरा सिस्टम और पीसी और उसके आसपास जो भी चीजें हैं वो ऐसे डिजाइन की गई हैं कि मुझे अगर कोई थॉट आता है तो मैं इमिडिएटली जाकर उस पर काम कर सकूं अगर वहां पर आप रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं अगर बैरियर बन जाता है कुछ कि आपको बनाने के लिए सेटअप करना पड़ रहा है काफी सारी मेहनत लग रही है देन प्रॉबली

वो सही फिट करता है या नहीं आप सोचिए कभी कभी ऐसा होता है कोई मूवी आती है और वो उस टाइम पर नहीं चलती है लेकिन काफी सालों के बाद जैसे अंदाज अपना अपना एक ऐसी मूवी है जब आई थी थी वो फ्लॉप हो गई बट उसके बाद धीरे धीरे दैट मूवी मूवी बिकेम सच अ कल्ट फेमस एंड वो अभी भी लोग उसको बहुत बहुत चाहते हैं इसका मतलब क्या वो मूवी क्रिएटिव नहीं थी एट द पॉइंट दैट इट केम नो नॉट नेसेसरली सो सिमिलरली अगर स्वदेश मूवी को देखो द टाइम एट विच इट केम इट वॉज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस बट बहुत लोग उसको काफी अच्छी मूवी मानते हैं एंड शायद आज के दिन अगर वो मूवी रिलीज हुई होती तो शायद बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता सो टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ द मार्केट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड नाउ सिक्स पॉइंट एंड दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड फॉर यू टू गो हेड एंड क्रिएट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट दैट इज एवरीथिंग इज अ रिमिक्स यस yes, कुछ भी नया नहीं है ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आपको कुछ नया करना जरूरी है मूवीज को ले लीजिए गानों को ले लीजिए हर तरफ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग या तो रिमिक्स करते हैं या ट्रिब्यूट पे करते हैं जो भी होगा देखा जाएगा राजमौली जी को लीजिए अवतार के क्रिएटर जेम्स कैमरॉन को ही लीजिए उनके एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर उन्होंने चीजों को रिमिक्स किया है पोका का स्टोरी को लेंगे तो एग्जैक्टली exactly मैच करेगा अवतार की स्टोरी के साथ अगर आप लाइन किंग की स्टोरी लेंगे तो एग्जैक्टली exactly मैच करेगी बाहुबली की स्टोरी के साथ और इवन द कैरेक्टर डिजाइन अगर आप उन्हें देखें तो उसमें भी आपको श्री राम जी को मिलाकर अगर बिल्ली के साथ मिलाते हैं आप तो आपको मिलता है अवतार का डिज़ाइन जैसे ब्लू कलर के श्री राम जी हैं हमारे कल्चर में फेमस हैं जो बिल्ली है उसकी जो कैट मीम्स बनते थे इंटरनेट पर 2004-2005 के टाइम तो लोगों को बहुत पसंद आते थे इसीलिए उन्होंने ऐसा कैरेक्टर डिजाइन चुना जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए तो देर इज अ बिजनेस व्यू पॉइंट दैट पीपल हु आर क्रिएटिव एंड आर डूइंग बिजनेस विद इट एक्चुअली गो विद नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट इज वाई आर यू क्रिएटिव आप जिस भी चीज में क्रिएटिव होना चाह रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है फॉर एग्जाम्पल मेरी चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उन वीडियोस में मैं आर्ट प्रोसेस दिखाता हूं स्टार्ट टू एंड एक कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूं जो कि लोगों को ये दिखाता है कि दिस पर्सन हैज द स्किल टू क्रिएट द आर्ट यानी कि या तो वो मुझे एक आर्ट वर्क बनाने के लिए हायर कर सकते हैं या फिर वो मुझसे आर्ट सीखना चाहते हैं ये चीज़ मैंने बहुत ही इंटेंशनली किया है सो देर इज अ रीजन वाई आई एम

एग्जिबिट कर रहे हैं वो किस चीज के काम आएगी उसे भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड रिजल्ट को ध्यान में रखिए एंड ऐसी चीजें करिए जिनसे आपको या तो एक जॉब मिलनी चाहिए या तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए या तो आप अपनी फैमिली में किसी को खुशी देना चाह रहे हो या फिर अपने लव्ड वंस के लिए कुछ करना चाह रहे हो वो अचीव कर सके एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट हु इज योर टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं शायद सभी लोगों को आपका काम अट्रैक्टिव नहीं लगे हो कि वैल्यूबल्स बहुत पॉपुलर मूवीज को भी कुछ लोग कहते हैं कि ये इसमें कोई बढ़िया बात नहीं थी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा बिकॉज दे आर नॉट द टारगेट ऑडियंस फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी अगर आप सलमान खान की मूवीज ले लें ले, तो There's a huge audience which likes them, but there will be a set of people who will not like them. Does that mean that Salman Khan's movies are not creative? आई लिव दैट टू यू इसका मतलब है आपको समझना ये जरूरी है कि आपका एंड टारगेट ऑडियंस या फिर जिसको अपना क्रिएटिव मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनको क्या अपील करता है एंड अकॉर्डिंगली अगर आप चीजें करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छी मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यूट्यूब पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ और यूट्यूब पर लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब सेलिब्रिटीज को देखते हैं उनको पसंद करते हैं उनको सराहते हैं और उनको अगर मैं अपने ही वीडियोज में यूज करूँ तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कनेक्शन अच्छा बनेगा जिसकी वजह से मेरी भी ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप समझ पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट टारगेट ऑडियंस ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी और आप किसके लिए ये चीजें कर रहे हैं वो भी आपको सही रिजल्ट्स पाने में हेल्प कर सकते हैं नाउ फाइनली देर इज अ बोनस पॉइंट विच आई वांट टू लीव यू विथ विच इज एन एग्जांपल ऑफ द टिप इन इट विच इज लीव सम रूम फॉर मैजिक टू हैपन अगर आप किसी भी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं एज अ क्रिएटर यू वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव तो हर चीज को या हर पहलू को उसमें कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में ही होने दीजिए यानी कि अगर कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए या फिर कोई चीज़ें अलग तरी डशन में जाने लगे तो वो भी उसी क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट बन जाएंगी एंड दैट्स वेयर द मैजिक हैपन्स रिमेंबर देर आर नो राइट आंसर्स इन क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी टेक्स करेज क्रिएटिविटी टेक्स ऑनेस्टी एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू लीव यू विथ द टास्क दैट यू हैव नाउ इज गो हैड अभी जाइए आप चैनल पर देखिए शॉर्ट वीडियोज़ को और जो जो चीज़ें मैंने बात करी उन सारी चीज़ों को आप चेक करिए कि क्या मैंने ये सारी प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है एंड उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा बढ़ेगी अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिख के मुझे बताइए मैं और चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एंड लाइक आई ऑलवेज से स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप क्रिएटिंग हैव अ गुड डे बाय बाय